कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। तो ये श्लोक है, पांचवा श्लोक है तीसरे अध्याय का। कल हमने डिस्कस किया था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि न कर्मणा आरंभान नैष्कर्म्यम, और हमने डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन का निष्कर्ष था भगवान मैं तो चला सब छोड़ छाड़ दिया। ये हमारी कल की थीम थी। तो अब भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम छोड़ छाड़ के कहाँ जाओगे, ना ही कश्चित क्षणम अपी, कोई एक क्षण के लिए भी जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, किसी भी आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्षण के लिए भी खाली बैठ गया हो, अकर्मकृत, उसने कर्म ना किया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। कार्यते ही अवश्य कर्म, और उसको कर्म विवश होके, हवशः ही अवशः अर्थात उसको विवश होके कर्म कार्यते, करना ही पड़ेगा बाध्य होके, वो मना नहीं कर सकता। सर्वः प्रकृति जैर गुणैः, और सभी लोग इस संसार के प्रकृति के तीन गुणों के अंडर, प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सारे जीवात्माएं संसार की जो जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली हुई वो इन तीन गुणों के अंडर में ही चलते हैं, और ये तीन गुणों के अंडर में होने के कारण वो कर्म करने के लिए बाउंड होते हैं, उनको कर्म कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इसलिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है अपितु आत्मा का यह स्वभाव ही है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। जिस तरह से पानी का स्वभाव है गीला करना, आग का स्वभाव है जलाना या गर्माहट देना, हवा का स्वभाव है बहना, हवा बहती है, हवा चलती है ना, तो उसी तरह से आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती है, हमेशा यही सोचती है कुछ तो करूँ कुछ तो करूँ, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा आत्मा को, वो बिना कुछ किए रह नहीं सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ना ही कश्चित क्षणम अपी, एक क्षण के लिए वो बिना किए रह नहीं सकती, और तुम कह रहे हो कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊँगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम अपने लिए कर्म करो अर्थात भोग, अपने लिए कर्म करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर ये प्रकृति के तीन गुण एप्लीकेबल होंगे, तुम्हें इन प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कर्म करना पड़ेगा, विवश होके बाउंड होके जो तुमसे करवाएंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और अगर तुम प्रकृति के तीन गुणों के अंडर नहीं रहना चाहते, या दूसरे शब्दों में अगर तुम अपने लिए कर्म नहीं करना चाहते, ठीक है तुम अब रास्ता चेंज करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और मेरी सेवा ही बेस्ट रास्ता है दुखों से बचने का, झंझटों से बचने का, मेरी सेवा तुम्हें करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा, सेवा करना तो आत्मा का धर्म है। श्री प्रभुपाद भूमिका में भी लिख रहे हैं, एक्चुअली इसके तात्पर्य में तो लिख रहे हैं, और भगवद्गीता की जो भूमिका है, जब गीता शुरू भी नहीं होती, शुरू में जो भूमिका आती है उसमें भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना, वो किए बिना आत्मा का स्वभाव ही है सेवा करना, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं वहाँ पर। जब तक वो सेवा नहीं करेगी वो पागल हो जाएगी। इसीलिए जिनको सहज मुक्ति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मवादी जो भगवान के निराकार भ्रम में जाकर लीन हो जाते हैं, निराकार भ्रम अर्थात भगवान के शरीर से जो लाइट निकलती है बहुत तेज, जो भगवान का जो बॉडीली एफल्जेंस है उसको निराकार भ्रम कहते हैं। कोई भगवान निराकार नहीं है, वो तो फालतू का ढोंगी गुरुओं ने प्रचार किया हुआ है और मायावादियों ने प्रचार किया हुआ है, ढोंगी गुरु अर्थात मायावादी सब वही हैं, और क्या है, शंकराचार्य के अनुयायी, और ढोंगी गुरु भी सब शंकराचार्य के ही अंतर्गत उनकी फिलॉसफी लेके अपना प्रचार करते हैं, जब तक करते हैं उसके बाद तो कोई ना कोई कांड में फंस जाते हैं। तो ये इस तरह से है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, अपने लिए कर्म नहीं करना चाहिए, अपने लिए कर्म करेंगे तो प्रकृति के तीन गुण हमारे ऊपर काम करेंगे, और फिर हमें काम क्रोध लोभ मोह इन सब हथकड़ियों से बांधा जाएगा। इसलिए हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है, अगर हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट कर्म है और सारे
सब कुछ अपने हो जाएगा, बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। तब हमारे ऊपर ये प्रकृति के तीन गुण काम नहीं करेंगे, माया काम नहीं करेगी, महामाया काम नहीं करेगी, तब हमारे ऊपर योग माया काम करेगी। जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो योग माया के अंडर होते हैं, जो बद्ध जीव होते हैं वो महामाया के अंडर होते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, कर्म से भागो मत। वैसे भी तुम्हारा कर्म करना भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है तुम्हारी, क्योंकि वर्ण आश्रम के अंतर्गत तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, सिटीजन्स की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, तुम्हारा तो कर्तव्य ही बनता है युद्ध करना। तो तुम युद्ध करो, भागो मत, भागने मांगने से कुछ नहीं होगा, करोड़ों जन्मों से भागते जा रहे हो, अब मत भागो, मेरी बात मान लो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। एक तो तुम्हारी ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी है, और चलो अगर तुम प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं करना चाहते, अगर तुम प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं करना चाहते, वर्णाश्रम नहीं फॉलो करना चाहते, तो फिर तुम्हें मेरी सेवा तो करनी पड़ेगी। इसलिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के 1:5:17 श्लोक कोट कर रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन अपक्व अथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा अभद्रम अभूद अमुष्य किम किम वो आर्थो आप तो भजताम स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे, जो शास्त्र में जो कर्म लिखे गए हैं, जो उसका स्वधर्म के अकॉर्डिंग जो उसका क्षत्रिय धर्म फॉलो करना लिखा गया है यहाँ पर अर्जुन के लिए, अगर उसको नहीं करता और तो फिर उसको और फिर वो भक्ति, प्रभुपाद तो ऐसे एक और पॉइंट ला रहे हैं कि अगर वो भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई घाटा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी अपनी वर्णाश्रम फॉलो नहीं करता और डिवोशनल सर्विस करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हम कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद ने प्रचार किया हिप्पियों को सीधा डिवोशनल सर्विस में, मतलब भक्ति में, सीधा भगवान की सेवा में लगा दिया, वर्णाश्रम उड़ा दिया शुरू में। शुरू में तो वर्णाश्रम के अंतर्गत सबको उनका स्वभाव बताते, वो सब कैसे होता है वो तो पता ही नहीं लगता ना, इसलिए वर्णाश्रम जो है वो जब होता है वर्णाश्रम तो उसमें फिर बचपन से ही देखा जाता है कि उसका स्वभाव क्या है, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति का बच्चा है, क्षत्रिय प्रवृत्ति का, वैश्य प्रवृत्ति का या शूद्र प्रवृत्ति का, तो उसके हिसाब से फिर उसको काम में उसके गुरु लगा देते हैं। अभी हम सब बड़े हो चुके हैं, अभी पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए जब फुल टाइम बना जाता है उसके बाद फिर एग्जैक्टली पता चलता है कि इसका स्वभाव क्या है। या वर्णाश्रम के अंतर्गत जब कोई गृहस्थ रहने आता है वर्णाश्रम में, तो फिर उसमें फिर वो फिर चर्चा होती है, फिर उसमें वो जब वो रहते हैं तो फिर उनको भी देखकर उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग जो गुरु होते हैं वो सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन या तो अब तुम अपने लिए कर्म करोगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी, या माया की सेवा करो या मेरी सेवा करो, तो या तो तुम अपनी सेवा करोगे अर्थात अपने लिए कर्म करोगे, या तुम मेरे लिए कर्म करोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मेरी सेवा तुम करो और खुश रहो, अननेसेसरी पंगे मत लो। अब मेरी सेवा करने के लिए वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर है भगवान की सेवा, अब मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें वर्णाश्रम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग चल रहा है, सबका बहुत स्पीड पे माइंड पागल हो रहा है, क्योंकि शहरों में इतनी गंदगी हो चुकी है, इतना कॉन्टेमिनेशन हो चुकी है। और अगर हम श्री प्रभुपाद कहते थे एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन, है ना, मतलब हमें गाय, एक लैंड हो, थोड़ी सी लैंड हो, थोड़ी सी और एक गाय हो हमारे पास, उस पे लैंड पे हम खेती करें, गाय से उगाएं और अपना खाएं, वो सबसे पीसफुल और एक अच्छी सेफ लाइफ है वो। अब वो वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम भगवान को प्रसन्न करना, जो कि भक्ति के कहलाता है, भक्ति के अनुकूल है, इसलिए हम कर रहे हैं। वर्णाश्रम हमारा प्रोसेस नहीं है, वो विधि नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, वर्णाश्रम तो भगवान को प्राप्त करवाने में सहायक है। जिस तरह से हम सुबह ब्रश करते हैं, ब्रश करना भक्ति थोड़ी ना, लेकिन ब्रश करेंगे तो वो हमारी भक्ति में सहायक है, नहीं तो हमारे मुंह से बदबू आती रहेगी ना, भगवान को भी और वैष्णव को भी, वो बात कैसे करेंगे हमसे, और हमारे दांत भी खराब हो जाएंगे तो फिर हम खाएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ब्रश करना जिस तरह से सेवा के अनुकूल है, उसी तरह से वर्णाश्रम धर्म सेवा के अनुकूल है, इसलिए अर्जुन तुम मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति करने के लिए ये जो वर्णाश्रम है अर्थात तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है ये अभी अनुकूल है क्षत्रिय धर्म फॉलो करना। और अगर तुम क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं भी करना चाहते तो फिर तुम मेरी भक्ति करो, जिस तरह से श्री प्रभुपाद ने प्रचार किया, सीधा भक्ति का ही कर दिया, क्योंकि आज के युग में वर्णाश्रम पॉसिबल नहीं था एकदम से प्रचार करने के बाद, लेकिन श्री प्रभुपाद कह के गए थे कि मेरा 50% काम बाकी है।
तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अब पॉइंट ये है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम युद्ध अपना क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं भी करना चाहते, तो फिर युद्ध तुम मेरी सेवा समझ के कर लो। मेरी सेवा तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी जी भगवान, हाँ वो तो मैं करूँगा। हाँ तो फिर युद्ध करो भगवान, वही तो करने से मैं भाग रहा हूँ, आप फिर मुझे उसी में लगा रहे हैं युद्ध करने में। तो पॉइंट ये है कि अर्जुन भागना चाहता है युद्ध करने से, भगवान कह रहे हैं नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी सेवा भी करनी है अपना स्वधर्म छोड़ के, तो तब भी तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा। युद्ध करना ही अभी मेरी सेवा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ युद्ध हो और इन सब अधार्मिकों का वध हो। ये संसार का नुकसान करेंगे बहुत, ये सब यज्ञ और पूजा पाठ संसार से ख़त्म करवा देंगे, मेरा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तुम जैसे लोग रहेंगे धार्मिक लोग, तो प्रचार होगा, इसलिए युद्ध करो और कर्म से भागो मत, भागने भागने से कुछ नहीं होने वाला। बस ये भगवान यहाँ पर ये अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो अर्जुन का कहना है कि भगवान लेकिन संन्यास मतलब तो कर्म का त्याग करना है। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी क्षण, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो फिर संन्यास आश्रम क्या? संन्यास में तो कर्म के बिना ही रहता है व्यक्ति। भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो भाई, ये तो तुम्हारी अपनी स्पेकुलेशन है। संन्यास आश्रम में भी जो सन्यासी होगा उसको भी तो भिक्षा मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा, अपना पेट पालने के लिए तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता, चाहे वो बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो। तभी शिवप्रभा लिख रहे हैं कि कोई रह नहीं सकता, सदैव सक्रिय रहती है आत्मा, हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे वो भगवान की सेवा करे या माया की सेवा। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन संन्यास का जो तुम अर्थ समझ रहे हो वो संन्यास नहीं है। असली संन्यास है कर्म से, कर्म के फल से आसक्ति का त्याग। श्रीधर स्वामी भी यही लिख रहे हैं, रामानुजाचार्य भी यही लिख रहे हैं, हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्य यही लिख रहे हैं कि संन्यास का वास्तविक अर्थ है अपने कर्म के फल से आसक्ति का त्याग। कर्म से कुछ ना कुछ फल तो आएगा ही, उस फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम उससे आसक्ति करेंगे तो हम अपने लिए यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए हो जाएगा। उसको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वो भगवान के लिए होना चाहिए। बस ये भगवान बताना चाह रहे हैं।